अपने बयानों को लेकर बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह कई बार विवादों में फंस चुके हैं। अब एक बार फिर हाथरस की घटना पर सुरेंद्र सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी माता पिता को अपनी बेटियों को अच्छे संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे संस्कारों की मदद से ही इन घटनाओं को रोका जा सकता है। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ, ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, लोगों का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। इस दौरान सुरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है। पता चला है कि दोनों भाई बहन होटल से निकले और हाथरस के लिए रवाना हो गए। इनकी संस्कृति होटल और बोतल की है। इसके अलावा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि फर्जी महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न के नाम पर किसी का भी जीवन संकट में पड़ सकता है। लैब रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ था, युवती के साथ मारपीट हुई है और उसकी हत्या हुई है। ये निंदनीय घटना है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,